Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वैसे भी कौन करेगा उस जहनी मरीज से शादी, लेकिन भाई ऐसा जहनी मरीज तो सब कोई टकरे जो इतने महंगे महंगे तोहफे भेजता है। तुम जानते हो तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई अजहर, मैं इस घर में अपने आप को अकेला फील करने लगी हूँ। सामिया सामिया देखो, चलो खैर है, अच्छा ही हुआ उसे वैसे भी पता चली जाना था। अपनी अकल अपनी समझ। भाई लॉन में कोई है? अजहर हाँ। अंदर जाके सो, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई बुआ कोई नाश्ता वाश्ता कराए, आपका पोता आया है, एंजॉय करो मियाँ, और ये नाखून उठा लेना है, बुरी बात हो। जी जी जी। सामिया ये देखो, खुदा का वास्ता यार माफ कर दो मुझको, भूल जाओ ये बात। भूल जाऊंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मैं सोफे पर सो सो के पागल हो जाऊंगा। येन कौन है? फोन तो कट कर दो यार, ये वो लेडी हेल्थ वर्कर है गवादर के एक इलाके में, बेचारी बेवा। इसका पूरा नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं मालूम, बस वो एन के नाम से सेव किया हुआ। ओके आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चलो शुक्र है अभी गुस्सा नहीं आ रहा। अजहर बाबा का ख्याल किया करें, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ऑफिस जाना शुरू कर दें बाप। अब मैं तुम्हें ऑफिस का क्या हाल बताऊं, एक अलग जंजाल है यार। अच्छा मुझे नाजिश की तरफ जाना है, ड्रॉप कर देंगे? ठीक है। थैंक यू। हाँ बोलो। अभी तक नाराज है? नहीं नाराज तो नहीं हूँ। एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, पढ़ाई कैसी जा रही है? बस अभी अभी फारिग हुआ हूँ, थोड़ा सा ऐसे निकला था। रेडियो किस वक्त जाना है आपको? तुम तो मेरे ड्राइवर ही बन गए हो। यही समझ ले, आ जाओ। आ तो सकते हो लेकिन प्लीज देर मत करना, मेरा आज पहला शो, मेरा आज पहला शो है। हाँ बाय। ओके बाय। कहाँ चले तुम दोनों मियाँ बीवी? आप क्या कर रही हैं, मुझे भी बता दें, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। इससे पहले तुमने कभी कोई काम करवाया है? प्लीज़ मामा आप मुझे शर्मिंदा ना करें। जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अजहर क्या बात है बेटा, तुम मुँह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, वो बस नींद पूरी नहीं हुई मेरी, हालांकि कल रात को मैं खूब सोया था लेकिन फिर भी सर में दर्द है। दवा खा लें, सर में दर्द है तो मैं टैक्सी में चली जाती हूँ। नहीं नहीं टैक्सी में जाने की जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूँगा। नहीं नहीं टैक्सी में मत जाने देना, छोड़ कर आओ इसे, शाम को ड्राइवर को भेज देना,
अच्छा है तब तक अलीना भी वापस आ चुकी होगी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठ जा बैठ जा। अगर मर गया तो तेरे बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगी मैं। दादी तुम भी कोई सुबह में एक्सरसाइज किया करो। ये क्यों हो रही वर्जिश? फायदा के लिए। कौन फायदा? फायदा मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी। फायदा ये क्यों भाई? तू अपना साइज देख, शक्ल देख, अपना हुलिया देख। जो फायदा जो भी कोई है ना, वो तुझसे शादी नहीं करेगी। देखो दादी, तुम मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। मैं मर जाऊंगा फायदा के बगैर। अरे शर्म करन शर्म, जमीन से हो गए हैं नहीं, शादी करेंगे। पता है शादी करना बहुत सवाब है। तुझे नहीं मिलेगा सवाब। पता नहीं किसकी किस्मत फूटेगी। फायदा की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, तुम बड़े आज डल डल से दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, सामिया से लड़ाई हुई थी ना रात को? हाँ हुई थी, लेकिन वो सॉल्व हो गई थी। सारी रात सोफे पे सोते रहे, भला बताओ। सामिया तो कभी कभी हद ही कर देती है। नहीं नहीं मम्मी, उसने कुछ नहीं किया था, मैं खुद ही सोफे पे सो रहा था। खैर मैं ऊपर जा रहा हूँ लेटने, तबीयत अजीब सी हो रही है। नादिया कराची आई भी है, तुम्हारी उससे बात हुई? आपको किसने बताया? शगुफ्ता उसके पड़ोस में रहती है ना, उसका फ़ोन आया था। आई होगी, मेरी उससे बात नहीं हुई है। वो चुड़ैल तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेगी, खबरदार जो तुमने उसका फ़ोन उठाया। ठीक है, आप फिक्र ना करें, नहीं उठाऊंगा। रशीद शेख जैसा अनप्रोफेशनल इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मज़े फोन करें, एक फोन नहीं उठा रहा यार वो हमारा। फिर से उससे कॉल करो, यू किडिंग मी? कितने फोन करें, इतने तो फोन कर चुके हैं उसको। यू डू रियलाइज कि ये चौथी दफा हमारे साथ कर रहा है, सारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं, दिस इज एन इंटरव्यू शो, मैं अकेले नहीं कर सकती। अलीना से हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम पुराना शो लगा देंगे, नो वरीज। एक शो तुम लोग लाइन अप नहीं कर सकते? आर यू किडिंग मी? हां आज तक तो तुम लाइन अप कर रही थी। एक काम करो, तुम मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं भी तो प्रोड्यूसर हूँ। वेरी फनी। आर यू जोकिंग? यू आर सीरियस? यस आई एम सीरियस। ना लो टेंशन, अगले हफ्ते फिर कर लेंगे, फिर बुला लेंगे, आ जाएगा। मुझे बुला लेना अगले हफ्ते, मैं नहीं आऊंगी। आ जाओगी। राहिल कैन यू पिक मी अप? मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो वकार। हाँ सर बात कर रहा हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। वो नादिया कहाँ है? हाँ कब? अच्छा तुम्हारे पास उसका कोई कनाडा का नंबर है? हाँ चलो यार, तुम्हें नंबर मिले तो मुझे ज़रूर देना। हाँ ओके ओके बाय। ये तो बहुत बुरी बात है। खटिया हरकत है ये, दो दफ़ा पहले भी कैंसिल कर चुका है। Can't believe this. इसी तरह करता रहा तो मेरा पूरा शो ही फ्लॉप हो जाएगा, माई करियर विल एंड और मैं घर पे बैठी रह जाऊंगी। अब अगर वो चाहे भी ना, मैं उसे अपने शो पे नहीं आने दूंगी। लीना मैं नहीं समझता था आप रेडियो को इतना सीरियसली लेती हैं। इट्स माई जॉब राहिल। मामा बाबा भाई सब ये समझते हो जैसे रेडियो कोई काम ही नहीं है। एक साल में मेरा दिल भर जाएगा एंड देन वॉट? दिस इज माई करियर। फिर तुम छोटे हो। ये क्या छोटा छोटा लगाया हुआ है? रेडियो एक करियर है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी आवाज नीचे करके बात करो। मैंने कब आवाज ऊंची की है? I made such a mistake. अच्छा खासा अम्मी मुझे गाड़ी भेजी थी, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों फोन किया है।
अस्सलाम वालेकुम अली भाजी। अलीना जी, शो कैसा रहा तुम्हारा? वो मेरा शो हुआ ही नहीं, वो बेवकूफ गेस्ट ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाएगा। आपको पता नहीं है तीसरी दफा मेरे साथ ऐसा कर रहा है मामा, आई एब्सोल्युटली हेट हिम। अच्छा बाबा, गुस्सा नहीं करो ज्यादा, खाना निकलवाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा सुनो, गाड़ी तुम नहीं लेके गई, सामिया भी नहीं ले जा सकी, और गाड़ी सारा दिन घर पे ऐसी खड़ी रही। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपकी गाड़ी नहीं इस्तेमाल की। सामिया आएगी तो उसे भी सॉरी कह दूंगी। ओके, तुम ढंग से बात नहीं कर सकती हो क्या? मामा मुझे प्लीज अकेला छोड़ दें। कितना सोते हैं आप अजय? उठा हूँ मैं। क्या हुआ, इतना डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या हो गया अजय, नशे में हो क्या? रात के 10 बज रहे हैं। अच्छा खैर, तुमने खाना खा लिया? नहीं बाबा, वेट कर रहे हैं नीचे। चलो तुम नीचे जाओ, मैं मुंह धोकर आता हूँ। अजय, ये किस चीज़ का निशान है? क्या, कैसा निशान? ये नीचे वो स्टोर में किसी चीज़ की रगड़ वगड़ लगी होगी शायद। किस चीज की रगड़ है? पता नहीं मुझे। खैर तुम जाओ ना, नीचे जाओ, खाना खाओ, मैं आ रहा हूँ चेंज करके। अच्छा जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मूड ठीक नहीं है। इस घर में पकी पकाई रोटी मिल रही है ना, तो नखरे हो रहे हैं। बताओ अपनी माँ को किसके साथ है तुम गवादर में? भाई आपको नीचे पापा बुला रहे हैं। तुमसे तो मेरे अब्बू निपटेंगे, कुत्ते। मुझे लगता है मैं भाई की साई की स्टोरी भी सुननी चाहिए। मैं क्या करूं बाबा, हलेशबा से कहे वो खत ले कर आए। सामने बेबी, thank you.